Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के इस वीडियो में हम जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, सो उसमें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है, उसको सॉल्व करने का हमें क्या फॉर्मूला होता है, क्या स्टेप्स होते हैं. फिर अगर इक्वेशन आपको नॉन एग्जैक्ट है तो कैसे उन नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को रिड्यूस करना है. सो आज के हम इस वीडियो में उसी रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन का हम थर्ड टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले हम ऑलरेडी दो टाइप्स का डिस्कस कर चुके हैं. सो सेकंड टाइप था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगर इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन है. एंड जो हमारे पास फर्स्ट टाइप था उसमें क्या था, अगर आपको इक्वेशन होमोजीनियस है तो कैसे हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे. तो ये दो टाइप डिस्कस कर चुके हैं. आज के इस वीडियो में जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें दो कंडीशन है. मीन्स इक्वेशन आपको दो टाइप का होगा. आपको इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो. अब सपोज आपको एक इक्वेशन गिवन होगा वो नॉन एग्जैक्ट होगा, तो आपको पता चलेगा नॉन एग्जैक्ट है. अब आपने उस पर फर्स्ट टर्म अप्लाई किया, मीन्स फर्स्ट टाइप तक क्या था, होमोजीनियस. तो अगर आपको इक्वेशन होमोजीनियस नहीं मिला तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नहीं. फिर आपने कंपेयर किया सेकंड वाले से, तो आपको वहां पे सेकंड वाला भी नहीं मिल रहा है, तो आप सेकंड वाले भी नहीं अप्लाई करेंगे, तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए एक थर्ड टाइप है. तो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो इसको दो टाइप होता है. पहला, अगर क्योंकि हम यहाँ से जैसे कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, करली एम अपॉन करली एक्स और करली एम अपॉन करली वाई और करली एन अपॉन करली एक्स फाइंड करते हैं. तो ये हमने फाइंड किया, पता चला कि हमें एग्जैक्ट नहीं है, तो उसके बाद फिर क्या चेक करेंगे कि अगर करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन एन, अगर इसको हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. मीन्स उसमें सिर्फ एक्स होगा, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. देन इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. अब गाइज ये चीज आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आप अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपने कुछ ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ पे देखा था, e की पावर एफ एक्स या फिर e की पावर एफ वाई. अगर x लीनियर है y लीनियर है तो वहां पे हमने इस टाइप का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था. एंड इसमें एक सेकेंड कंडीशन है कि अगर करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y अपॉन m, ये करने के बाद अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ y आ रहा है ओनली, फंक्शन ऑफ y ओनली, देन जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई. ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का. अगर हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन अगर हमारे पास नॉन एग्जैक्ट आ रहा है उसका ये दो फॉर्म आ रहा है हमारे पास. तो अब बहुत बच्चों को ये डाउट होगा कि हम कैसे पता चलेगा हमें कि हमें ए अप्लाई करना है या फिर बी अप्लाई करना है, क्योंकि आप अगर आपको फर्स्ट सेकेंड नहीं अप्लाई होगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप इस वाला मतलब ए को भी चेक करें बी को भी चेक करें, उससे आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा. तो इससे आप इसको आप एक ऐसे सोच सकते हैं कि सबसे पहले चीज यहाँ पे फॉर्मूला याद करने का, अगर पहले एम आ रहा है यहाँ पे तो नीचे एन आएगा, पहले एन आ रहा है तो नीचे एम आएगा, ये चीज हो गया. और एम के साथ यहाँ पे क्या है, डी एक्स होता है गाइस, ये देखिए एम डी एक्स होता है, एम डी एक्स होता है, तो हमें आंसर में सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए क्योंकि एम पहले आ रहा है. एन के साथ यहाँ पे डी वाई होता है, तो n पहले आ रहा है तो यहाँ पे फिर फंक्शन ऑफ y बचना चाहिए आंसर में. ये तो एक चीज हो गया. अब एक और चीज कि करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x, तो करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x और करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y. अब ये दो चीज का आपको डाउट होगा, यहाँ अपॉन n आएगा, यहाँ पे अपॉन आपको m आएगा, तो कैसे पता कि हमें ये वाला अप्लाई करना है या ये वाला अप्लाई करना है. तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपको नीचे यहाँ पे n आ रहा है, तो n अब यहाँ पे n डिवाइड हो रहा है तो ऊपर में कुछ ऐसा टर्म आना चाहिए, जैसे कि ऊपर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा टर्म आए यहाँ पे, कुछ ऐसा टर्म आए ऊपर में जो n से इजिली डिवाइड हो जाए, या फिर जब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ऊपर ऐसा टर्म आना चाहिए जो कि m से इजिली डिवाइड हो जाए. तो ये आपको थोड़ा सा मीन्स जब आप बहुत सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सा कब यूज करना है. तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको ये क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. सो गाइज सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो.
अब ये क्वेश्चन हमारे पास, तो इसमें सबसे पहला तो आपको अगर आपको चेक करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं अभी ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है नॉन एग्जैक्ट है, इसमें कहीं तो लिखा ही नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन गिवन होगा, लिखेगा सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एम डी एक्स प्लस इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये चीज एम है पूरा, और ये यहाँ से क्या है, एन है, ये एम है। तो हम क्या फाइंड करना है, कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई, और इस टर्म में वाई है नहीं तो जीरो हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स इज इक्वल टू, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस टू एक्स वाई, और ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स कि क्या हो गया, नॉन एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट आ गया। अब अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तो हमें चेक करना है कि होमोजीनियस है या सेकेंड टाइप है या फिर इसमें कोई और फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो होमोजीनियस में क्या होता है, पावर सेम होना चाहिए। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे x की पावर 1 y स्क्वायर, तो इसका यहाँ पे 3 आ गया, इस वाले टर्म में x स्क्वायर y की पावर 1 3 आ गया, बट यहाँ पे ये जो पावर है ये कुछ सही नहीं है, तो ये होमोजीनियस होगा नहीं। अब इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे सेकेंड मेथड, जिसमें फर्स्ट वाले टर्म में y dx कॉमन आता है, और यहाँ पे x dy तो है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x dy तो बन रहा है, बट y dx इस वाले टर्म से m से कहीं भी y कॉमन नहीं आ पा रहा है, तो इसमें हम सेकेंड वाला भी अप्लाई नहीं करेंगे। अब पॉइंट आता है थर्ड वाला, जो a और b में हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है, हमें चूज करना कि हम यहाँ पे क्या है चैलेंजिंग पार्ट, चूज करना कि नीचे n वाला लेंगे हम या फिर m वाला लेंगे। तो आप सोचो अगर कि अगर हम डिनोमिनेटर में m वाला लें, ये m वाला, तो यहाँ पे क्या एक्स वाई स्क्वायर माइनस e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, बट e की पावर n में तो कहीं है ही नहीं। तो जब हम ये चीज करेंगे, मीन्स अगर नीचे m आता है तो ऊपर क्या आता है, करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y, यही आता है नीचे, देख सकते हैं यहाँ पे करली n अपॉन करली x माइनस करली अपॉन करली y। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, तो नीचे m में तो क्या आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, फिर इसके साथ माइनस में एक्स वाई स्क्वायर है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, नीचे एन वाला लेंगे। और अगर हम नीचे एन वाला लेते हैं तो एन सिंपल सा है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, जो कि थोड़ा सा ईजी है हम, क्योंकि जब हम एम और एन को डिफ्रेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सारा टर्म्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर में एन हो, तो जो डिनोमिनेटर में एन हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पे एम पहले आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए आंसर हमारा। चेक कर लेते हैं, हम पहले फाइंड करते हैं करली अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली अपॉन करली वाई। वो गाइज यहाँ पे हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, वो क्या आया था, 2x आया था, 2xy करली एन अपॉन करली एक्स क्या आया था, माइनस टू एक्स वाई। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट मीन्स टू एक्स वाई माइनस माइनस टू एक्स वाई अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है, ये चीज आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स वाई अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वाई से वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या आ गया, फोर माइनस फोर अपॉन एक्स, और ये आ गया हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ये आ गया। अब इसको हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गया e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर में हो जाएगा यहाँ पे log 1 अपॉन एक्स का होता है log x, हो जाएगा e की पावर माइनस 4 log x, और तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x की पावर, क्योंकि ये माइनस फोर है तो ये माइनस फोर, इसको मैं ऐसे लिख जाएंगे e की पावर log x, और जो log के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो उसका पावर भी चला जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस फोर, ई से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x की पावर माइनस फोर, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और गाइज यहाँ पे एक चीज आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब आपने ये फाइंड किया करली m अपॉन करली y एंड आपने फाइंड किया करली n अपॉन करली x, यहाँ से आपने ये फाइंड किया, ठीक है, फिर आपने चेक किया सेम नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट हो गया। अब आप यहीं पे, जैसे कि आप यहीं पे सिंपली देख सकते हैं कि जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करें या फिर ऐड करें, तो वहां पे मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाई तो आएगा ही आएगा, इस क्लियर है, अभी माइनस है यहाँ पे, तो अगर इसको सिंपली ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज करना पड़ेगा हमें। तो एक चीज यहाँ पे है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कुछ भी करेंगे, एक्स वाई तो आएगा ही आएगा, तो अगर हम इन दोनों के डिनोमिनेटर में m को ले लें, तो
तो m में तो e की पावर में है कुछ, तो वो तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, और m में दो टर्म्स हैं तो वो तो कैंसिल होगा ही नहीं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इसको सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम सिर्फ n लें डिनोमिनेटर में तो ये इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे सेकेंड वाले फॉर्मूला को लेके चला है, आप मीन्स ये वाला फॉर्मूला को लेके चला है, करली m अपॉन करली y और करली n अपॉन करली x अपॉन n का, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, अब नेक्स्ट होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना। तो क्या हो जाएगा, जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x की पावर -4, मीन्स ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4, और हमें मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन से, तो इक्वेशन क्या था हमारे पास, xy square माइनस ई की पावर 1 अपॉन x square अपॉन x की पावर 4, और यहाँ पे था dx माइनस x square y अपॉन x की पावर 4, dy इज इक्वल टू 0, ये चीज आ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भी ये क्या है, सॉरी x की पावर 4 है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं हम, तो ये x x कैंसिल हो गया, ये क्यूब आया, तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, और यहाँ मल्टीप्लाई में है डी एक्स माइनस ये से ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो क्या बचेगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ये टर्म हमारे पास बचा है। अब ये चीज एग्जैक्ट होगा ही होगा, ये मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, उससे लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, एंड जो प्रीवियस दोनों वीडियोस था उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि इसको भी कैसे एग्जैक्ट चेक करेंगे, मीन्स करली एम अपॉन करली वाई एंड करली एन अपॉन करली एक्स फाइंड करके दोनों इक्वल होगा, ये चीज मैंने लास्ट दोनों क्वेश्चन में चेक करके बताया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइस कि इस वाले क्वेश्चन का आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, सो दैट कि आपको मीन्स अगर खुद से ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा कि हाँ आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट है ये मैं बोल रहा हूँ, ये ट्रू है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ वाई कॉन्स्टेंट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एन नॉट कंटेनिंग यहाँ पे आता है वाई एक्स टर्म्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू सी। तो एम डी एक्स, तो एम की वैल्यू यहाँ से क्या है, ये पूरा एम है हमारे पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, और इसको हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये तो एक्स आ ही रहा है, तो नॉट कंटेनिंग एक्स तो कोई टर्म्स यहाँ पे है ही नहीं, तो ये तो कुछ यहाँ पे कोई टर्म आएगा ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 85। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे क्या है, डी एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो वाई स्क्वायर तो सबसे ऊपर वाले में यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया, तो वाई स्क्वायर हमने इट इज ले लिया इंटू, अब एक्स की पावर क्या है, -3 है डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 अपॉन -2, तो क्या आ गया, -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ से, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, अब फिर यहाँ से आ गया माइनस, अब इस वाले का ई की पावर, ये आ गया माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -4 डी एक्स। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई होगा, अब किसको u लेना है किसको v लेना है ये चीज़ मैं प्रीवियस वीडियोज में भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, मीन्स यहाँ पे क्या अप्लाई होता है, एक को करते हैं इंटीग्रेट, दूसरा एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ये प्रोसेस करते हैं, तो वो करने का क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, और इसमें वन स्टेप सॉल्व करने के बाद का मैं स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, इसका माइनस है, ये एक साथ है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर एक्स की पावर -3 एंड आ जाएगा -3 एक्स की पावर -4 डी एक्स इज इक्वल टू सी। नाउ गाइस हमारा जो रिड्यूस टर्म आया था वो आ गया था हमारा माइनस वाई स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था उसको लिख लिया एक्स की पावर -2 अपॉन 2, यहाँ पे आ गया प्लस 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ई की पावर एक्स की पावर -3 एक्स की पावर -4 डी एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस इंटीग्रेशन को फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स की पावर -2 अपॉन 2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स की पावर -2 यहाँ से आ गया, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 3 ई की पावर एक्स की पावर -3, और यहाँ से आ जाएगा ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा इज इक्वल टू सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये वाला टाइप क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे हम टाइप को अप्लाई करेंगे, क्या हमारा एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन में, हमें ए वाले टाइप को अप्लाई करना है या फिर बी वाले टाइप को अप्लाई करना है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के इस वीडियो में, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स आ रहा हो तो आप उस क्वेश्चन के जो फोटोज होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी मिलेगा, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको उसके आंसर्स को मैं मैसेज कर पाऊँ विद इन टाइम। एंड इसमें फर्दर कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे इस वाले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट कि मीन्स आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे उन दोनों फॉर्मूलाज को किस क्वेश्चन में पहले वाले को अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में दूसरे वाले को अप्लाई करना है। एंड गाइज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से बच्चों में शेयर करें, सो दैट कि वो जिन बच्चों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी इन टॉपिक्स को पढ़ पाएं डिटेल में एंड एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको एक कॉन्टेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।